हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेस्ट होम फेशियल, जिसको करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, आपकी स्किन को वाइटन, ग्लोइंग एंड फ्लॉलेस बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड सबसे बेस्ट थिंग इस फेशियल की ये है, ये केवल 3 स्टेप्स में ही कम्प्लीट हो जाता है। और जितने भी इन्ग्रीडियंट्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं फेशियल में, वो नॉर्मली आपको अपनी किचन में इजीली अवेलेबल हो जाने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो चलिए इस फेशियल को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ब्यूटीफुली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रेड बटन को क्लिक करके, और बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें। तो फ्रेंड्स, इस फेशियल को करने के लिए सबसे पहला जो मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पर मैंने लिया है, जो सबसे मेजर रोल प्ले कर रहा है, वो है राइस फ्लोर। राइस फ्लोर हमारी स्किन को वाइटन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पर लिया है राइस फ्लोर, यानी कि चावल का आटा। घर पर से ये चावल लेकर इसको मैंने हल्का दरदरा पीस लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिया है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। ये हमारे फेस को बहुत ज़्यादा निखारने में हेल्पफुल रहती है। थर्ड मैंने यहाँ पर लिया है शुगर, डायरेक्टली मैंने उसको इस तरीके से लिया है। आप चाहें तो इसको दरदरा भी पीस सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिया है ग्राम फ्लोर, यानी कि बेसन। पुराना मेरा पैराशूट का ऑयल ख़त्म हो चुका था, तो मैंने यहाँ पर पैराशूट का कोकोनट ऑयल ले लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिया है लेमन। तो चलिए सबसे पहले स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्लिनजिंग। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर राइस फ्लोर ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अब कुछ ड्रॉप लेमन की। अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई करने से पहले हमें अपने फेस को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे फेस के एक्स्ट्रा के डर्ट को क्लीन करता है और हमारे फेस पर एक निखार लाता है। नींबू में विटामिन सी होता है, जो हमारे कॉम्प्लेक्शन को लाइट करने में और उसको ब्राइट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ही ड्रॉप मैंने लेमन की ऐड की हैं। अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में बनाऊंगी, क्योंकि ये हमारा क्लींजर है। तो जब ये लिक्विड फॉर्म में होगा तो हम आसानी से अपने फेस को क्लीन अप कर सकते हैं। मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ रोज़ वाटर। आप किसी भी ब्रांड का रोज़ वाटर ले सकते हैं। अब अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। विद द हेल्प ऑफ स्पून मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ, जिससे जितने भी इन्ग्रीडियंट्स हैं वो आपस में मिक्सअप हो जाए और एक सोल्यूशन बना लें। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसको अपने फेस पर अप्लाई करने से पहले हमें अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। फेस को वॉश करने के बाद हमें अपने फेस के एरिया पर और नेक के एरिया पर इसको अच्छी तरीके से लगाना है। राइस फ्लोर हमारे फेस को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग एंड इफेक्टिव रिजल्ट देता है। लाइक हमारे फेस पर बहुत ही ज़्यादा चमक आने लगती है। हमारे फेस पे जितने भी फाइन लाइंस और रिंकल्स जैसी प्रॉब्लम है, उनको ये बहुत ही जल्दी दूर कर देता है और हमारे फेस पर किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं यहाँ पर फिंगर की हेल्प से इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो कॉटन बॉल की हेल्प से भी इसको लगा सकते हैं। बहुत से लोग फेशियल करना पसंद नहीं करते, लाइक बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। जितने भी बाहर के फेशियल वगैरह होते हैं, उनमें केमिकल प्रोडक्ट्स ज़रूर होते हैं, तो इसलिए लोग उनको अवॉइड करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेस्ट होम फेशियल, घर से ही ली हुई चीज़ों से फेशियल करना, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और अगर आप है बिगनर्स, तो आपको सबसे पहले नेचुरल चीज़ें ही अपने फेस पर अप्लाई करनी चाहिए। अगर आप हैं 18+, या अगर आप हैं 20+, तो आपको अपने फेस पर केमिकल वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए। अब मैं इसको अच्छी तरीके से अपने फेस पर स्प्रेड कर लूँगी, जिससे जितना भी हमारे फेस का एक्स्ट्रा का डर्ट है, डस्ट है, और जो भी हमारे फेस पर गंदगी है, वो इसी इजीली दूर हो जाएगी। सेकंड स्टेप यहाँ पर आता है एक्सफोलिएशन। जितने भी हमारे फेस पर डेड सेल्स हैं या जितने भी हमारे फेस पर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हैं, वो ईजिली इससे रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने इन प्रोडक्ट्स को अच्छी तरीके से इसमें ऐड कर लिया है। 1 स्पून इसकी ले लिया है। अब मैं नेक्स्ट और मेन इंग्रेडिएंट इस स्टेप में जो है हमारा वो शुगर है, उसको ऐड करने जा रही हूँ। मैं यहाँ पर डायरेक्टली शुगर को ले रही हूँ। आप इसको हल्का सा दरदरा मिक्सी में पीस सकते हैं। अगर आपकी स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई, तो आप इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर लीजिए, या फिर ऑयल कोई सा भी आप ले सकते हैं, लाइक जैतून का या बादाम का ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ गुलाब जल, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। ना तो वो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो, ना ही वो ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में हो।
ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में कर देंगे तो हमारे फेस पर शुगर का कोई वर्क नहीं होगा और वो बार बार नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इसका पेस्ट कुछ इस तरीके का हमें बनाना है। शुगर मैंने इसके अंदर इसलिए ऐड की है, शुगर को ऐड करने से हमारे फेस के जो डेड सेल्स होते हैं, ब्लैक हेड होते हैं और वाइट हेड जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं और हमारे फेस पर एक ग्लो आने लगता है, हमारा फेस इवन दिखने लगता है और डार्क स्पॉट्स भी बहुत जल्दी कम होते हैं। और जो बेसन मैंने इसके अंदर ऐड किया है वो हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन बनाने में हेल्पफुल रहता है। इसको अच्छी तरीके से हम अपने फेस पर स्प्रेड कर लेंगे और हमें नेक के एरिया को भी इसके अंदर इंक्लूड करना है। नेक के एरिया को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, अदरवाइज़ वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा कि आपने अपने फेस को तो चमका लिया और अपनी नेक को ऐसे ही भूल गए। अब अच्छी तरीके से हम इसको सारे प्रोसेस को करने के बाद अपने हाथों को धो लेंगे। लाइक यहाँ पर मैं हैंड्स का यूज़ कर रही हूँ, आप अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारी फेस पर कभी कभी एकदम डलनेस आने लगती है तो यहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ करके हमें फेशियल ज़रूर करना चाहिए और ऐसा आपको मंथ में एक बार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स मैं ले रही हूँ वो सब नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। थर्ड एंड द लास्ट स्टेप यहाँ पर जो मैं ले रही हूँ वो है फेस पैक बनाना। इसको बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने कुछ अमाउंट राइस फ्लोर का ले लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ एलोवेरा जेल। आप चाहें तो सौंदर्य वाला एलोवेरा जेल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और किसी भी कंपनी का एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं जो आपके पास नॉर्मली ईजिली अवेलेबल हो। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी जो कंसिस्टेंसी हम बनाएंगे वो हल्का सा गाढ़ापन बनाएंगे जो हमारे फेस पर अच्छी तरीके से लग जाए और वो बिल्कुल भी इधर उधर ना बहे। थोड़ा अंदाज़ा करते हुए मैं इसके अंदर राइस फ्लोर और ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरीके से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और फाइनली ये हमारा फेस पैक बनके तैयार हो चुका है। अब बारी आती है इसको अपने हाथों पर लगाने की। अच्छी तरीके से इसको अपने फेस के एरिया पर लगा लीजिए, नेक को भी इंक्लूड कर लीजिए और अच्छी तरीके से इसको अपने फेस पर लगाने के बाद हमें केवल 15 से 20 मिनट तक इसको छोड़ना है, जब तक ये अच्छी तरीके से ड्राई ना हो जाए। इसके लिए हमें किसी भी तरीके के नॉर्मल एयर फैन के नीचे नहीं बैठना है, नॉर्मली इसको ड्राई अप होने देना है। और लगाने के बाद सबसे मेन स्टेप जो हमें करना है वो बिल्कुल भी बातें नहीं करनी है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अगर आपने इसको लगाने के बाद भी बातें की तो आपके फेस पर लाइंस पड़ जाएंगी और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा और हमारे फेस को बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं बना पाएगा। तो इसलिए इसको लगाने के बाद आपको इसको नॉर्मली ड्राई होने के लिए छोड़ देना है और एकदम रिलैक्स मोड में बैठ जाना है। रिलैक्स मोड में होने से हमारे फेस पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लो होगा और हमारा फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग दिखेगा। अब मैं नॉर्मल वाटर से इसको अच्छी तरीके से धो लूँगी। सबसे पहले मैंने थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके उस फेस पैक को अच्छी तरीके से लिक्विड कर लिया है और अब ये इजीली हमारे हाथों से छूट रहा है। अब ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ये जो फेस पैक मैंने बताया था ये नॉर्मल स्किन के लिए है। अगर आपकी स्किन ना तो ड्राई है ना ही ऑयली है, आप इस तरीके का फेस पैक बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। पर बहुत से लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई भी रहती है और ऑयली भी रहती है, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पर एक फेस पैक लेकर आई हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, जिसको मैं फील कर पा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और एक अलग ही लुक हमारे हैंड पर देखने को मिल रहा है। अब इस सेम प्रोसेस हम इसी तरीके से करेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ ग्लिसरीन। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप इसके अंदर विंटर्स में ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं और अगर चल रही हैं गर्मियाँ तो आप इसमें थोड़ा सा अमाउंट किसी भी ऑयल का ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरीके से मैं इस पेस्ट को भी मिक्स कर लूँगी और सेम प्रोसेस हमें वही करना है, इसको अपने फेस पर और नेक पर अप्लाई करना है। फ्रेंड्स ये बहुत ही बेस्ट होम फेशियल है। लाइक बहुत सारी जितनी भी चीज़ें मैंने ली हैं सब नेचुरल हैं, इजीली आपको घर में अवेलेबल हो जाने वालों में से हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देगा। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा आपके फेस पर, लाइक आपके फेस के छोटे मोटे दाग धब्बों को भी ये ख़त्म कर देगा।
ऐसा आपको मंथ में एक बार ज़रूर करना है, जिससे आपके फेस पर चमक बरकरार रहेगी। और राइस फ्लोर का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि राइस फ्लोर हमारे फेस की फाइन लाइंस को, रिंकल्स को ख़त्म करता है, हमारे फेस पर एक कसाव लाता है, जिससे हमारा जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग एंड ब्यूटीफुल दिखता है। सेम प्रोसेस मैं यहाँ पर कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से मैंने अपने हाथों पर लगा लिया है। अब इसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और नॉर्मल तरीके से अपने हाथों को धो लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर हम कर चुके हैं हमारा फेशियल एंड ये कंप्लीट हो चुका है। ये करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एंड अगर फ्रेंड्स, अगर आप हैं बिगनर्स, 18 प्लस और 20 प्लस हैं, तो आपको नेचुरल प्रोडक्ट से ही अपने फेस को क्लीन करना चाहिए या फेशियल करना चाहिए। इससे आपके फेस पर ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा और आपका फेस हमेशा की तरह यंग ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो। आप इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।